ओके बेटा जी, वेव हाउ डू यू डिफाइन वेव? वेव इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, राइट? अच्छा, पहला क्वेश्चन है, वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इन अदर वर्ड्स आपसे कोई पूछेगी क्या एविडेंस है अभी कि वाकई वेव एनर्जी ट्रांसफर करती हैं? तो देखो बेटा, जैसे आप पानी में, स्विमिंग पूल में, टब में कोई छोटी सी चीज फेंको, लेकिन आप नोट करने, जो रिपल्स प्रोड्यूस होंगे उससे सारा वाटर डिस्टर्ब होगा, सारे वाटर में वाइब्रेशन आ जाएगी, राइट? तो वो वाटर पार्टिकल्स में वाइब्रेशन आगे तक। अच्छा, मेरे बोलने से आपको सुनाई पता कब देता है? कि मेरे बोलने से आपके ईयर ड्रम्स में वाइब्रेशन क्रिएट हो, तो कोई चीज खुद वाइब्रेट हो जाती है, एनर्जी चाहिए। इसके अलावा साउंड से हम ग्लासेस को, किडनी स्टोन को, टी प्लेट को, इवन ज्वेलरी रस्टिंग को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। इसका मतलब साउंड में एनर्जी है बेटा। माइक्रोवेव में खाना हम कुक भी कर सकते हैं और गर्म भी कर सकते हैं, तो एनर्जी माइक्रोवेव के अंदर एनर्जी होती है। एनर्जी है ना हीट, तो इसका मतलब वेव में एनर्जी है। इसके अलावा बेटा, जितनी भी अर्थ पे एनर्जी है ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम्स फ्रॉम द सन। अगर ज्योग्राफी में आपको थोड़ा नॉलेज हो, ये जितने फॉसिल फ्यूल हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडी से, और प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स में कहाँ से एनर्जी आती है? सन से, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं ना, तो फिर प्लांट से आगे एनिमल्स में ट्रांसफर होती है फूड के थ्रू, फूड चेन के थ्रू। तो जितनी भी एनर्जी अर्थ पे है वो सन से आई है। कैसे है? सन क्या खुद लेकर आता है? लाइट वेव्स के थ्रू आई है। लाइट्स आर वेव्स, तो वेव्स कैरी द एनर्जी। अब इंपॉर्टेंट बात है, वेव एनर्जी को ट्रांसफर कैसे करते हैं? जैसे मैंने वर्कशीट ट्रांसफर करनी है, क्लास में बच्चे बैठे हुए, क्लास फुल है, तो मैं एक बच्चे को सारी वर्कशीट पकड़ा दूं, कह के अपनी रखे और आगे ट्रांसफर कर दे, तो वन बाय वन वो आगे ट्रांसफर होती जाएगी, दिस वे किसी को उठना नहीं पड़ेगा। तो बेटा, ये जो ट्रांसफर ही वर्कशीट, वो थ्रू द पर्सन टू पर्सन, किसी को आप पार्टिकल ले लें, तो बेटा एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल। तो मैकेनिक वेव इज अ मैकेनिज्म ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एंड दैट ट्रांसफर एनर्जी कैन बी ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, और इट कुड बी फ्लक्चुएशन, चेंज इन फील्ड्स। फील्ड्स कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर बेटा वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, तो सच वेव्स आर सेट टू बी मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स विच नीड पार्टिकल्स मीडियम, ये अभी हम डिस्कस करेंगे फिर दोबारा। और अगर तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ द फील्ड, फील्ड में चेंज आना, तो सच वेव इज सेट टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी हम इस पे दोबारा वापस आएंगे। अच्छा बेटा, एक डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डेफिनेशन है वेव मोशन, एग्जाम में आई हुई, ओ लेवल में भी है। व्हाट डू यू मीन बाय वेव मोशन? एक वेव का मूव होना ना, क्या होता है वेव? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और कैसे होती है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी? ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन से, ऑसिलेशन वाइब्रेशन है। लाइक वाटर में वेव प्रोड्यूस होती है, वाटर पार्टिकल्स वाइब्रेट कर, लेकिन क्या लाइक से पूल में वाटर है, तो क्या वाटर पूल से कहीं चला जाता है? रहता तो उधर ही है।
जो स्ट्रिंग है गिटार की स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस होती है, तो स्ट्रिंग कहीं चली जाती है, वाइब्रेशन होती है, लेकिन स्ट्रिंग रहती तो उधर ही है ना गिटार पर ही। तो इसको कहते हैं कि पार्टिकल में ऑसिलेशन तो हुई लेकिन देर वॉज नो नेट मूवमेंट, देर वॉज नो नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट होता है अपनी जगह छोड़ जाना। देखो बेटा, मैं लिखने के लिए यहाँ पढ़ाते वक्त मैं हिल भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, मैं आगे पीछे हो रहा हूँ लिखने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, कभी स्टूडेंट की तरफ देखता हूँ, मुड़ता हूँ, ये मूवमेंट ही है, लेकिन मैं अपनी जगह नहीं छोड़ रहा। जैसे आप लोग भी लिखने के लिए, कोई अपने बैग से चीज लेने के लिए हिल रहे हैं, लेकिन आप अपनी जगह पर ही रह रहे हैं। इसे कहते हैं देयर इज ओवरऑल नो नेट मूवमेंट, राइट? यानी नो नेट मूवमेंट ऑफ द मीडियम। मीडियम जिसमें वो मटेरियल जिसमें वेव ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड मीडियम, राइट? तो बेटा वाटर में वेव प्रोड्यूस होती तो वाटर रहता उधर ही है, समंदर में वेव प्रोड्यूस हो रही है, वेव आकर वापस समंदर में वापस चला जाता वाटर, ठीक है? तो ओवरऑल मटेरियल उधर ही रहता है, फ्लैग है उसमें वेव प्रोड्यूस होती है हवा की वजह से, वेवी मोशन होती है, तो फ्लैग उधर ही रहता है। तो देर इज ओवरऑल नो नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट होता है कोई चीज अपनी पोजिशन को छोड़ दे बिल्कुल, वो नहीं होती, बस पार्टिकल ऑसिलेट करके वो उधर ही रहते हैं ओवरऑल मीडियम। तो इसे कहते हैं वेव मोशन, के वेव मूव कर गए हैं, पार्टिकल की ऑसिलेशन से एनर्जी ट्रांसफर हो गई है, लेकिन देर इज नो मूवमेंट, नेट मूवमेंट इन द मीडियम। अच्छा, ये जो वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है ना, इसको वी कॉल एज प्रोग्रेसिव वेव। लेकिन ये जो वर्ड है ना, हम नॉर्मली वेव ही कह रहे होते हैं, ये जो प्रोग्रेसिव वेव है ना, ये टर्म हम थोड़ा सा प्रोमिनेंटली सुपर पोजिशन में जाकर दोबारा डिस्कस करेंगे। क्यों प्रोग्रेसिव वेव कह रहे हैं? तो कोई और वेव ऐसी भी जो प्रोग्रेसिव नहीं है, यस स्टेशनरी वेव होती है। तो बहरहाल वी विल डिस्कस दैट। नाउ कमिंग टू के वी सेड कि वेव्स दो तरह की होती है, एक जिसमें पार्टिकल्स रिक्वायर्ड, पार्टिकल का मतलब मीडियम, मीडियम इज मेड ऑफ पार्टिकल्स ना। तो बेटा कुछ वेव ऐसी होती है विच नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, जैसे वाटर वेव के लिए वाटर का होना जरूरी है, एयर साउंड वेव के लिए हमारे दरमियान एयर का होना जरूरी है। तो ऐसी वेव विच नीड अ मीडियम और मटेरियल टू ट्रेवल इज और कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, यानी जिन जिनमें पार्टिकल्स होता है। लेकिन बेटा कुछ ऐसी वेव होती है जिन्हें किसी मटेरियलिस्टिक पार्ट मीडियम की जरूरत नहीं होती, दे स्टिल कैन ट्रेवल, दे डू नॉट एनी नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, सच वेव्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ना थोड़ी देर के लिए हमने वेव की बेसिक टर्म्स हम भी पढ़नी है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, लेकिन क्योंकि ओ लेवल में पढ़ा उसकी बेस पर हम चाह रहे हैं बस इसको यहीं खत्म कर दें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डिस्कशन को। बेटा अगर आपसे को पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर लाइट्स। खाली लाइट क्यों नहीं कहा हमने? वजह है कि ये दुनिया में जितनी भी लाइट्स हमें नजर आ रही है वो मे बी 15 to 20% है, बाकी लाइट्स वो हैं जो हमें नजर ही भाई रिमोट कंट्रोल के आगे से कोई लाइट निकलती है, हमें नजर आती है सिग्नल। तो टेलीविजन को कैसे पता है कि चैनल चेंज करने के वॉल्यूम कुछ तो जाता है ना, राइट? एक्सरे कभी करवाया? जब एक्सरे करवाए ना तो वो हमारे फ्लैश में से गुजर जाती है, एक्सरे बोन को स्ट्रक्चर बना देती है, लेकिन हमें पता चलता है किसी को चीज गुजर के कि नहीं। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, कैसे जी बेटा होता है वो मटेरियल, किस चीज का होता है जो कागज होता है उसके ऊपर रेज गिरती है, क्या होता है? विच मटेरियल, वो जिसपे स्क्रीन बनती है उसका गरा इमेज बनता है जी सर बेटा, वो हमारे पास डिजिटल भी होता है केमिकल भी होता है। जो केमिकल होता है ना वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का बना हुआ एक्सरे के लिए, ठीक है? ये हमारा A2 में चैप्टर है एक्सरे में, भी हम उसमें डिस्कस करें, लेकिन ना हम सिर्फ फिजिक्स का एस्पेक्ट करेंगे, अभी पूरी मेडिकल नहीं पढ़ लेंगे हम। तो वो सिल्वर ब्रोमाइड का बना होता है, और सिल्वर ब्रोमाइड में खूबी है कि जहां लाइट पड़े ना उस पे एक्सरे स्पेशली, तो वो ऐसा व्हाइट हो जाता, ब्लैक हो जाता सॉरी, और जहां लाइट ना पड़े वो व्हाइट रह जाता उसका। तो इसलिए बोन्स रोक लेती ना एक्सरे को, तो वो बोन्स में से क्रॉस नहीं करती, तो वो शेडो उसका व्हाइट सा उस पर बन जाता है। और जो डिजिटल होती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, जो
जो कंप्यूटर पे दिखा सकते हो, वहां सेंसर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। बहरहाल कमिंग टू दिस पॉइंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट्स हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इन नेचर दे आर ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, हमें कैसे पता चला ये ट्रांसवर्स है? अभी हमने वैसे ट्रांसवर्स और लोंगिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन अभी करनी है, ठीक है। अभी बस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कह रहे हैं इससे फ्री हो जाए। ये जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ट्रांसवर्स है, कैसे पता चला? बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पोलराइजेशन, इंशाल्लाह ये हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट, क्लियर। तो पोलराइजेशन से हमें पता चला कि ये जो वेव है ना, लाइट वेव, वो दे आर ऑल ऑफ ट्रांसवर्स टाइप। इसके अलावा दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, सो इट मीन्स दे कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, जहां कोई मीडियम नहीं है वहां भी। तो बेटा जितनी भी लाइट्स हैं, वो वैक्यूम प्लस ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में से गुजर सकती है, वैक्यूम में से भी। जैसे अभी आप देख रहे हो लाइट हमारे रूम में है ना, जहां से देख रहे हैं आप भी, जहां लिख रहे हो कुछ तो देखकर ही लिख रहे हो, लाइट चाहिए ना, तो आपकी लाइट कहां से मिल रही है? एयर में से पास होकर आ रही है, तो एयर इज ट्रांसपेरेंट, तो दे कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, राइट। मटेरियल या मीडियम को कहते हैं मीडिया, प्लूरल। इसके अलावा क्योंकि ये लाइट्स होती है, दे ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट, इतनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ वैक्यूम और एयर में है, वाटर और ग्लास में थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन स्टिल वेरी फास्ट फॉर अस। इनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है? बिकॉज दे आर प्रोड्यूस बाय फ्लक्चुएशन चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहले ये A2 में हमारा चैप्टर होता था, उसमें हम सीखते थे इस कैसे प्रोड्यूस होती है, अभी के लिए इतने काफी है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग फ्लक्चुएशन से प्रोड्यूस होती है, और एक अजीब बात है कि इन्हीं दोनों फील्ड का इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। दीज रे वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड का इन वेव्स पे कोई असर नहीं, हालांकि उन्हीं से प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना, इनकी वराइटी है, वराइटी के लिए एक वर्ड याद रख लें, गिक्सू विमर। ये गिक्सू विमर ऑर्डर में आपको याद करने में हेल्प करेगा, आप कोई और सेंटेंस भी ले सकते हैं। ये गिक्सू में जी इज फॉर गैमा, एक्स फॉर एक्सरे, यू फॉर यूवी अल्ट्रा वायलेट, वी विजिबल, सिर्फ ये जो नजर आ रहा है, आई फॉर इंफ्रारेड, एम फॉर माइक्रोवेव, आर फॉर रेडियो। बेटा ना ये पहले तीन नजर, आखिरी तीन नजर आ रहे हैं, ना लेफ्ट वाले आखिरी तीन नजर आ रहे हैं, सिर्फ ये बीच में नजर आ रही है। तो परसेंटेज वाइज समझो 15-20% लाइट है जो हमें नजर आ रही है, बाकी हमें नजर, बट दे एक्सिस्ट भाई। जहां हम रूम में है तो वहां हर एक जिसके पास मोबाइल है उसके सिग्नल आ रहे हैं, तो सिग्नल यहाँ आ रहे हैं, रेडियो टीवी चैनल्स के सिग्नल यहाँ आ रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, चाहे वो मोबाइल है, रेडियो और टीवी, उनके सिग्नल आ रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहे वो, राइट। ब्लूटूथ माइक्रोवेव होती है, ब्लूटूथ और वाईफाई माइक्रोवेव। देखो बेटा जी, इनके इफेक्ट्स नहीं है, जो डेंजरस है ये पहली तीन वाली है, ठीक है। जो डेंजरस इफेक्ट है वो आखिरी वाली सबसे हार्मलेस है, इसलिए सिग्नल्स में वही यूज हो रही, ठीक है। अच्छा जी देखें, इनमें ना एक चीज आपने देखना है, ये गिक्सू विमर क्यों याद करना कह रहे हैं, ये एक प्रॉपर ऑर्डर है, वो कैसे कि जो जी है ना गैमा, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा लेकिन वेवलेंथ सबसे मिनिमम, और अगर हम रेडियो पे जाएं तो उल्टा है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम और वेवलेंथ सबसे ज्यादा। बेटा तो आप इसको जिस मर्जी ऑर्डर में याद कर लो, राइट, गिक्सू विमर। अच्छा बेटा एक चीज, आपने अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आते हैं ना कुछ बच्चों को, जो चैप्टर वन में अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे बेचारे तंग होते हैं वहां पर। तो एक्चुअली ना अप्रोक्सीमेशन चैप्टर टू चैप्टर आती है, जैसे कुछ चीजें नोट कर ली हैं आप, कि जो यंग्स मॉडुलस होते हैं ना मेटल्स के लिए, वो 10^11 में होता है पास्कल,
ठीक है, और रेजिस्टिविटी जो सी होती है वो मेटल्स के लिए 10^-4 ओम मीटर, इसके राउंड अबाउट ही होनी है दिखना आपका। और जो इंसुलेटर्स होती है (10^7 ओम मीटर, इसके अलावा वेव्स में अप्रोक्सीमेशन क्या है आपको ना, आई वुड सजेस्ट आप ये रेडियो को याद कर लें। रेडियो जो उनसे है ना उसकी वेवलेंथ सबसे क्यूट सी है, याद रखना 10^0। अच्छा 10^0 ना, तो जू जू हम जी, सर बाकी वैल्यूज याद करनी है। अच्छा मैं बता तो रहा हूं ना, पहले सुन तो लो, आप इसकी याद कर लो वेवलेंथ रेडियो की 10^0। अब जो जो आप लेफ्ट जाएंगे तो हर स्टेप में वेवलेंथ कम हो रही है ना, 2 माइनस करते जाएं, 10^0, 10^-2, -4, -8, -10, -12 मीटर यूनिट मैंने आखिरी पहले के वाले के साथ लिखी है, यू नो दिस पॉलिसी, सेफ पॉलिसी। अच्छा अब ना एक आपने रेडियो वाले की वेवलेंथ याद कर ली, दूसरी आपने फ्रीक्वेंसी, ये आसान है कि ये वेवलेंथ 10^0 तो वो फ्रीक्वेंसी उसकी 10^0। तो जू जू हम आगे जा रहे हैं तो वेवलेंथ में 2 माइनस होता रहता है, फ्रीक्वेंसी में 2 ऐड होता जाएगा, 8 से स्टार्ट होगी। अच्छा 8 से 10, 12, 14, 16, 2 ऐड करते जाना है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होती है, राइट। अच्छा इसमें एक और अप्रोक्सीमेशन, ये जू जू हम गिग्सू बीमर में राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है लेकिन वेवलेंथ इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाए तो फ्रीक्वेंसी जो सी होती है वो इंक्रीज होती है और वेवलेंथ डिक्रीज होता है, लेकिन स्पीड सबकी सेम है, कितनी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10^8, लेकिन ये कहाँ होती है, इन वैक्यूम और एयर, राइट बेटा जी। इसमें बेटा ये जो फिजिकल इसमें ये जो विजिबल लाइट है ना बेटा, इसको देखे तो ये मजीद 7 कलर से मिलकर बनती है, विब गियोर, आप रॉय जी विब याद कर लें या विब गियोर याद कर लें बेटा, इसमें भी जो विजिबल है ना वो उसकी अप्रोक्सीमेशन वेवलेंथ जो उनसे वो 350 नैनोमीटर है, विजिबल में जो वायलेट है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा लेकिन वेवलेंथ सबसे मिनिमम है, उसकी फ्रीक्वेंसी, एक मिनट ठहरेंगे यहाँ पर ना थोड़ा सा, आई हैव टू चेंज, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा लेकिन वेवलेंथ सबसे मिनिमम वायलेट की, और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम है, वेवलेंथ सबसे है। यहाँ ना एक चीज मैं चाहूंगा आप याद रख लें कि ये जो हमारी वायलेट वाली है ना, इसकी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली होती है 10^350 नैनोमीटर, नैनो होता है 10^-9, और जो रेड है ना उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, ये 650 है मेरे ख्याल में, थोड़ी अप्रोक्सीमेट एक्यूरेसी एक्यूरेटली देखें तो वो 680 है, ये चेंज कर लिया मैंने, तो बेटा ये दो अप्रोक्सीमेट याद रखेंगे। और जो ग्रीन है वो इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में है ना, इन दोनों वैल्यू का अगर आप ना एवरेज लें तो वो ऑलमोस्ट इतना ही आता है 515, 500, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है सबकी। तो बेटा ये कुछ वेवलेंथ है जो आपने याद रखने, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अच्छा इनके क्वेश्चंस आएंगे वो आपको मैंने सिर्फ वेवलेंथ बताया, फ्रीक्वेंसी किसी की नहीं बताई, तो कुछ फ्रीक्वेंसी पूछनी है तो क्या करेंगे आप, वेव का फॉर्मूला v = f लैम्डा,
तो एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो बेटा इनमें मैंने वेवलेंथ बताए हैं, फ्रीक्वेंसीज नहीं बताई, तो हमें पता स्पीड सबकी कितनी है, 3 × 10⁸, वो रखे स्पीड की वैल्यू और वेवलेंथ की वैल्यू यहां पुट करें तो यू कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी, राइट? क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए। नाउ कमिंग हाजरा एंड रेहान, यहां तो कोई इश्यू तो नहीं है बेटा? नहीं नाउ कमिंग वी वर टॉकिंग के कुछ वेव्स, देयर आर सम वेव वी नीड मीडियम मैकेनिकल एंड द अदर वन दे डू नॉट नीड एनी मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नाउ कमिंग टू मैकेनिकल वेव व्हिच नीड अ मीडियम, जैसे वाटर वेव के लिए वाटर का होना जरूरी है, साउंड के लिए एयर का होना जरूरी है। तो बेटा सच वे भी नीड अ मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स की आगे दो फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है जिसमें रिपल अप एंड डाउन आते हैं, दोज आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव, राइट बेटा जी? बेटा मैकेनिकल वेव में एक वेव है जो वाटर के अंदर प्रोड्यूस हुई, जिसमें रिपल्स अप एंड डाउन आते हैं, और एक वेव है जो एयर में या स्प्रिंग में प्रोड्यूस होती है। इनमें क्या क्या डिफरेंस है? पहले हम देखते हैं वाटर में प्रोड्यूस होने वाली वेव। लेट्स से जब वाटर में या किसी स्प्रिंग में वेव प्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो वाटर का लेवल क्या होता है? स्ट्रेट लेवल, हॉरिजॉन्टल। तो ये है वाटर का लेवल, ये जो ग्रे वाली लाइन में सेंटर से रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट? ये तब था जब वाटर या स्ट्रिंग का लेवल जब कोई वेव प्रोड्यूस, लेकिन जब हम ना उस पानी में कुछ चीज फेंकते हैं या स्ट्रिंग है तो उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो हमें वेव इधर या इधर जाती हुई दिखाई देती है, राइट? या रिपल्स लेफ्ट मूव करते हैं। लेकिन जो वाटर के पार्टिकल्स है वो कैसे मूव कर रहे होते हैं? आपने कभी फुटबॉल मैच में देखा है लोगों को, स्पेक्टेटर्स को वेव बनाते हुए? तो क्या किसी स्पेक्टेटर को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ता है? नहीं, अपने ही जगह पर वो या हाथ पांव ऊपर नीचे, हाथ पांव ऊपर नीचे कर लेते हैं या उठ जाएंगे बैठ जाएंगे, लेकिन अपनी जगह छोड़ेंगे। तो आप नोट करना कि उन वेव में जो वाटर पार्टिकल्स है ना वो इस तरह मूव करेंगे ऊपर नीचे, हालांकि वेव इधर और इधर जा रही। अच्छा, वेव कैसे मूव कर रहे हैं? ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। क्या एंगल बना रहे हैं बेटा वो मूवमेंट के साथ, वर्क के एनर्जी के साथ? 90 डिग्री बना रहे हैं। तो 90 डिग्री को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलरली। दिस सिंबल इज यूज फॉर बेटा सच अ वेव इन विच द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव, राइट? लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि साउंड स्पीकर में वेव प्रोड्यूस हो रही है इन दिस डायरेक्शन, साउंड से इस स्पीकर से वेव प्रोड्यूस हो रही है राइट साइड की तरफ, तो आपने देखना है कि जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यानी साउंड जा रही है राइट की तरफ और जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो राइट और लेफ्ट उसके पैरेलल मूव कर रहे हैं। स्प्रिंग में वेव आए तो स्प्रिंग में अगर हम वेव प्रोड्यूस करने जैसे वो टॉय शॉप से मिलते हैं, तो उसमें भी पार्टिकल राइट और लेफ्ट मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में हम स्प्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर आप नोट करें तो वह 90 एंगल नहीं बनाने बल्कि सेम डायरेक्शन में, इसे कहते हैं पैरेलल। तो सच अ वेव जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। बेटा ट्रांसफर वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या डिफरेंस है? कि ट्रांसफर वेव में हाईएस्ट और लोएस्ट पीक आती है, हाईएस्ट पीक को कहते हैं क्रेस्ट और लोअर पीक्स को वी कॉल एज ट्रफ्स, जबकि यहाँ रिपल्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे ऊपर इसीलिए मूव, बल्कि यहाँ पार्टिकल राइट और लेफ्ट मूव हो रहे हैं। तो इसमें जहां पार्टिकल करीब हो जाते हैं क्रस्ट और ट्रफ की जगह उन्हें कंप्रेशन, और जहां दूर हो जाते हैं उसे
रेयरफैक्शन कहते हैं, राइट बेटा जी? यहां तो कोई इश्यू तो नहीं है? अब यस बेटा सर, डेफिनेशंस दो तीन करते हैं, देन वी विल बी डन विद टुडेज पार्ट, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे, मोस्ट ऑफ दिस विल बी डन। बेटा एक डेफिनेशन है टाइम पीरियड, व्हाट डू मीन बाय टाइम पीरियड? इट इज अ टाइम फॉर वन कंप्लीट टू वेव थ्रू, वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट, कि एक वेव, वन वेव क्या मतलब, वन वेव व्हेन वी से, तो वो वन कंप्लीट वेव अगर तो वो ट्रांसवर्स वेव है, तो ये एक अप और एक डाउन, एक क्रेस्ट और ट्रफ मिलकर, और अगर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन मेक वन वेव, तो एक वेव के पास होने के टाइम को वी कॉल एज टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्योंकि टाइम है इसकी यूनिट सेकंड्स होती है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल एफ। फ्रीक्वेंसी का वर्ड निकले फ्रीक्वेंटली से, देखिए आप कितना फ्रीक्वेंटली कहीं आते जाते हैं, आप कितना फ्रीक्वेंटली खाना खाते हैं, तो आप नंबर्स में बताओगे कि मैं 3 मरतबा खाना खाता हूँ, 4 मरतबा, नंबर्स में। तो फ्रीक्वेंटली का मतलब नंबर में बताना है, तो इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंटली का मतलब यूनिट टाइम में कितना वेव्स पास कर जाते हैं, नंबर में बताएंगे। बेटा पर यूनिट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट का मतलब डिवाइड। सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? वेव पर सेकेंड। अगर 1 हर्ट्ज है, इट मीन्स 1 वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट इन ईच सेकेंड। अगर 40 हर्ट्ज का मतलब 40 वेव्स पर सेकेंड। 2.5 मेगाहर्ट्ज, मेगा का मतलब मिलियन होता है, इसका मतलब 2.5 मिलियन वेव्स पर सेकेंड। तो नोट करें, हर जगह हर्ट्ज की जगह मैंने क्या लिख दिया, वेव्स पर सेकेंड, राइट बेटा जी? याद रहेगी आप लोगों को बात, कोई इश्यू तो नहीं यहां तक? अब एक बात पे गौर करना है कि टाइम पीरियड मींस टाइम कितना लगा एक वेव को। बेटा टाइम कैसे बताएंगे आप? सेकेंड्स में बताएंगे, यानी टाइम का मतलब यू विल टेल द नंबर ऑफ सेकेंड्स फॉर वन वेव। तो फ्रीक्वेंसी को देखें तो वो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम क्या होता है? सेकेंड ही होता है ना, पर यूनिट टाइम तो सेकेंड ही होता है ना यूनिट टाइम, तो वो बताता है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। तो गौर से देखें, टाइम पीरियड इज नंबर ऑफ सेकेंड्स फॉर वन वेव, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स फॉर 1 सेकेंड। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, तो मैथमेटिकली ऑपोजिट को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल्स। तो बेटा ये जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है? 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2, राइट? तो यानी अगर टाइम पीरियड को 1/2 कर दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप फ्रीक्वेंसी को 1/2 कर दो तो वो टाइम पीरियड आ जाएगा। याद रहेगा? दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आज हमने जो पढ़ा वो मोस्टली बास फ्रॉम ओ लेवल, लेकिन बेटा हमने तो पूरा ही पढ़ के जाना है ना, कि कोई चीजें किसी की भूल गई हैं, तो दिस वाज, दिस इज ना वेयर वी नीड टू